भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आज खेले जाने वाले चौथे वनडे का परिणाम अब वैसे तो सीरीज पर खास असर नहीं डालने वाला है, फिर भी लोगों की दिलचस्पी इस मैच में जबरदस्त बनी हुई है। इसकी वजह है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी इस मैच के जरिए वनडे इंटरनेशनल करियर में अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी करने जा रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये धोनी के करियर का 300वां वनडे इंटरनेशनल मैच होगा, जिसमें धोनी कई और रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। अभी तक खेले गए 299 वनडे मैचों में धोनी ने 9608 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 65 हाफ सेंचुरी और 10 सेंचुरी हैं। भारत के लिए धोनी से ज्यादा वनडे सिर्फ सचिन तेंदुलकर 463, राहुल द्रविड़ 344, मोहम्मद अजहरुद्दीन 334, सौरव गांगुली 311 और युवराज सिंह 304 ने ही खेले हैं। पिछले मैच में उम्दा बैटिंग करने वाले धोनी उस लय को कायम रखना चाहेंगे। उन्होंने दबाव के हालात में 45 और 67 रनों की पारियां खेली, जिसे साबित होता है कि अभी उनके भीतर बहुत क्रिकेट बाकी है और उनकी नजरें 2019 वर्ल्ड कप पर लगी हैं। इस माइलस्टोन मैच में धोनी वनडे क्रिकेट में दो और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड बैट से और दूसरा ग्लव से। धोनी के नाम 99 स्टंपिंग है और वो इस मामले में श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा के साथ टॉप पर खड़े हैं। अगर वो एक और स्टंपिंग करते हैं तो स्टंपिंग करते हुए 3 अंकों में पहुंचने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र विकेटकीपर बन जाएंगे। दूसरा रिकॉर्ड नॉट आउट पवेलियन लौटने का है। धोनी अभी तक 72 बार वनडे में नॉट आउट रहे। इस मामले में वो साउथ अफ्रीका के शॉन पॉलक और श्रीलंका के चामिंडा वास के साथ खड़े हैं। एक और नॉट आउट इनिंग से वो नॉट आउट रहने के मामले में सबसे आगे निकल जाएंगे और दुनिया में सबसे महान फिनिशर हो जाएंगे। ऐसे में धोनी के आलोचकों का तो मुंह कम से कम बंद हो गया है। तो इंतजार आप और हम सभी को है धोनी के ट्रिपल टर्न मैच का। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।